कभी गुरखा लोगों को विदेशी जैसा बात बोलना नहीं चाहिए, और मैंने हमारा ऑफिसर लोगों को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया। अधिवेशन हुआ और मैंने ये अधिवेशन में गुरखा जनगण कैसे असम का मूल जनता है, हजारों साल पहले से कैसे नेपाली गुरखा और असमिया लोगों का बीच में संबंध हुआ था, इसका बारे में मैंने जिक्र किया। और मैंने ये भी आह्वान किया कि कभी गुरखा लोगों को विदेशी जैसा बात बोलना नहीं चाहिए, और मैंने हमारा ऑफिसर लोगों को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा नेपाली गुरखा भाई लोगों को आप लोग कभी डिस्टर्ब मत कीजिए। सर, जो 11 जाति को शेड्यूल ट्राइब देने का स्टेटस वो पेंडिंग है, असम गवर्नमेंट क्या रोल? ये देखिए, ये जो 11 जाति का मामला है, ये हमारा जो मूल ट्राइबल्स लोग है, ये लोग और गुरखा सम्मेलन का बीच में डिस्कशन होके फिर हम लोग कुछ करें। और गुरखा ऑटोनोमस काउंसिल का सर अच्छा डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। আমার ফিল্ড মার্শাল যে মানিকশো আসে আপনাদের জানে বীরত্ব কথা, কে যে কোনোবা মানুষ যদি কয় যে মানে মরিব ভয় নকরো, কিন্তু যে এই মিছা কথা, এই হবই নয়। অবশ্যই যদি গুর্খা হয় তো কথাটো বেলেগ, গতি মরিব ভয় নকরা মানুষ এই ভারত অকল গুর্খা সকল আছে। আজি মই গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈছো, আপোনালোকে আমাৰ গুৰখা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলক মই 25 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছোঁ। অসমত থকা বিভিন্ন গুৰখা গাঁৱৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে। सिक्किम इतना प्यारा प्रदेश है, अभी सिक्किम आना है, मैं सीएम साहब को बोल के रखा हूँ कि जब भी समय मिलूंगा मैं सिक्किम आता हूँ और 2-3 दिन वहाँ बैठता हूँ। आज ही हमारे एखन विशेष कैबिनेट बैठक आसे बानपानी ऊपर आलोचना करिबोले, यार पर पुने पुने गई बराक उपत्यका हो जाए और डिमा हासार परिवेश अत्यंत चिंतनीय हो आसे। आज ही हम यार पर गई कैबिनेट ये विषय